और इसमें माप दिया रहेगा, कम कपड़े रहेंगे तो 21, ज़्यादा कपड़े हैं तो 14, ठीक है। वैसे तो आपको लिक्विड यूज करना है, बट जैसे आप पाउडर यूज करना चाहते हैं तो आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं, आपको निकाल के पाउडर आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। इसमें आपको कपड़े फिल करना है, कपड़े को एक एक करके फिल करना है और कपड़े को खुला करके, ठीक है। और कपड़े डालते समय 3 क्वाइन सिक्का चेक कर लेना है, गलती से ड्रम में ना जाए। इधर ड्रम में जाएगा ना तो क्या होता है, आपका ड्रम स्क्रैच होता है, ठीक है। और कपड़े डालते समय 4 फिंगर का डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि पूरा ड्रम भर कपड़े नहीं डालना, थोड़ा गैप होना चाहिए। ये आपका इलेक्ट्रिक लॉक है। एक बार आपका डोर लॉक होने के बाद, पूरा प्रोग्राम एंड होने के बाद 1 मिनट बाद डोर खुलेगा, उसके ऊपर डोर खुलने वाला नहीं है, ठीक है। और इधर आपका ये जाली रहता है, ये आपको 20 से 25 दिन में निकाल के साफ करना है, ठीक है। इधर आपका जो भी पिन कॉइन सिक्का रहता है ना, इधर क्या होता है, अटक जाता है, ठीक है। तो आपको निकाल के साफ करना है। ये जो रहता है ना, ये क्लॉकवाइज बंद होता है, इसे बंद होता है, एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, ठीक है। ये आपको हफ्ते में या 20 से 25 दिन में एक बार निकाल के साफ कर लेना है। ये पावर ऑन ऑफ करना है, ठीक है। ये इधर से पावर ऑन, ये अंदर साइड क्लोज हो जाएगा तो आपका पावर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको जो भी प्रोग्राम लगाना है ना, आप उस पर आप प्रोग्राम आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये बस आपका लाइट आ गया है, ये देखिएगा, जिस पे आपका लाइट जाएगा ना वही आपका प्रोग्राम सिलेक्ट होगा। और स्टार्ट करने के लिए इधर थे, ठीक है। मिक्स डेली में आपके सभी कपड़े मिक्स होंगे, मिक्स यानी कि आपके डेली कपड़े रहेंगे ना, आपको मिक्स डेली में यूज करना है। जो कॉटन कपड़े रहेंगे, कॉटन के यानी कि जो व्हाइट कपड़े रहेंगे ना, आपको कॉटन में यूज करना है। कॉटन इको में आपके भारी कपड़े जैसे बेड शीट, चादर, जींस, ब्लैंकेट, तो कॉटन इको में आपको यूज करना है। क्रेडल हाउस में आपका एम्ब्रॉयडरी कपड़े यानी कि वर्क वाले कपड़े होते ना, डिजाइन वाले, स्टोन वाले, कढ़ाई वाले या पर्दे होते हैं ना, तो आपको इसमें यूज करना है। ओलेंस में आपके ठंडे कपड़े, एक्सप्रेस वाश, जैसे कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं है ना, डेली कपड़े है ना, तो आप 15 मिनट आप कपड़े को धो सकते हैं। जैसे मिक्स के कपड़े आप इसमें भी धो सकते हैं, आप इसमें भी आप धो सकते हैं, इसमें आपका टाइम कम है, इसमें टाइम ज़्यादा है। एडिक्टिव रिंस सिर्फ कपड़े को निचोड़ने के लिए, ड्रेन स्पिन ओनली सिर्फ कपड़े को ड्राई करने के लिए, सिर्फ कपड़े को सुखाने के लिए। जैसे आप बाहर कपड़े धो लिए हैं, सिर्फ मशीन में कपड़े को ड्राई करना है, ठीक है। तो आपको ये ड्रेन स्पिन, अभी आपने एक भी बार कोई भी आपने प्रोग्राम लगा दिया ना, उस पर आप स्टार्ट कर दिया ना, तो ये भी आप इधर से बंद करेंगे तो डेली के लिए आपका ये प्रोग्राम चालू होगा, दूसरा प्रोग्राम लगने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम लगाने के लिए ना कैंसिल फॉर 3 सेकंड, इस बटन को ना आपको 3 सेकंड दबा के रखना है। तो अभी आपका जो पिछला प्रोग्राम रहेगा ना, आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अभी आपका प्रोग्राम ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर आप जो भी आपको लगाना है वैसे आप लगा सकते हो। जैसे आप मिक्स यूज करेंगे डेली के लिए तो क्या है, पावर ऑन, ये देखिए पावर ऑन, मिक्स, स्टार्ट, इतना आपको करना है डेली के लिए, ठीक है। बट जैसे आप अलग अलग लगाएंगे प्रोग्राम तो आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा पिछला प्रोग्राम। इधर दिया चाइल्ड लॉक, चाइल्ड लॉक यानी कि जैसे घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो क्या करते हैं, लॉक घुमाते रहते हैं, उनके सेफ्टी के लिए हम चाइल्ड लॉक मशीन में कर सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड लॉक करने के लिए चालू सिचुएशन में चाइल्ड लॉक होगा, जैसे अभी आपका मशीन चालू हो गया, ठीक है। अभी चाइल्ड लॉक लगेगा, ये रैपिड वॉश कोल्ड, ये दो बटन आपको एक साथ 3 सेकंड दबा के रखना है, फिर आपका चाइल्ड लॉक हो जाएगा। ये भी दबा के रख रहे हैं, चाइल्ड लॉक हो गया, इसमें आपका लाइट आ गया। और ओपन करने के लिए फिर आपको ये बटन दबा के रखना पड़ेगा। अभी आपका चाइल्ड ओपन हो गया, ठीक है। वॉश मीन्स धोना, वॉश करेगा तो इस पर लाइट आएगा, और स्टीम लेगा ना तो आपको इसमें लाइट आएगा। रिंस मीन्स निचोड़ना, स्पिन यानी कि सुखाना, रिंस और स्पिन करेगा तो इस पर लाइट आएगा। आपका डोर लॉक नहीं रहेगा ना तो इस पर लाइट आएगा। आपका पूरा प्रोग्राम इंड हो जाएगा ना तो इस पर लाइट आएगा। मशीन में कोई प्रॉब्लम रहेगा ना तो ये एरर पे है ना, इस पर लाइट ब्लिंक करेगा, ठीक है। आपको रैपिड करने की जरूरत नहीं, रैपिड ऑटोमेटिक खुद ही करता है, बट आप रैपिड करना चाहते तो आप रैपिड कर सकते हैं। रैपिड करने से डायरेक्ट आपका 15 मिनट टाइम कम हो जाएगा। कोई भी आप प्रोग्राम लगाएंगे ना उस पर आप रैपिड करेंगे तो आपका 15 मिनट टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। इधर दिया है स्टीम, ठीक है। अभी वार्म मीन्स गुनगुना पानी, हॉट मीन्स गर्म पानी, कोल्ड भी ठंडा पानी। आप इसमें गर्म पानी चाहते हैं ना तो आप गर्म पानी भी, बाकी सब में ये वार्म है ना, वार्म सब में सिटी है, ठीक है। देखिए अभी वार्म मीन्स में सेट है, ये देखिए अभी आपको हॉट पानी चाहिए, तो एक बार ये बटन को प्रेस करेंगे, जो बिलिंग कर रहा है ना वो आपका सेट नहीं है, जो आपका रुक गया है ना वो आपका प्रोग्राम इसमें सेट ही है, ठीक है।
अभी आपका वार्क ब्लिंक कर रहा है, हॉट रुक गया, अभी आपका हॉट हो गया, ठीक है। अभी बार इसको और दाबेंगे, अभी आपका दोनों पे लाइट आ गया, ठीक है। अभी आपका स्टीम सेट हो गया, एक बार फिर हम प्रेस करेंगे, अभी दोनों पे लाइट हट गया, ठीक है, तो आपका ये कोल्ड हो गया। तो अभी आप अपने हिसाब से, आप प्रोग्राम में आप गर्म पानी चाहते तो आप गर्म पानी भी ले सकते हैं। अब गर्म पानी किस में चलेगा ये भी आप देख लीजिए, मिक्स में चलेगा, कॉटन में चलेगा, कॉटन निको में चलेगा, क्रेडल वाश में चलेगा, ठीक है। वूलेंस में नहीं चलेगा, स्प्रेस में नहीं चलेगा, एडिक्टिव रिंस में नहीं चलेगा, ड्रेन स्प्रिन नहीं चलेगा, ठीक है। क्रेडल के नीचे जितना प्रोग्राम है ना, इसमें गर्म पानी कोल्ड भी चलेगा, गर्म पानी नहीं चलेगा, ठीक है।